थाना शमशाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मादक पदार्थों के साथ दो शातिरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसओजी एवं थाना शमशाबाद पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए पकड़े गए दोनों अभियुक्तों से हीरोइन और अफीम बरामद की है। थाना शमशाबाद पुलिस एवं एसओजी ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए शमशाबाद क्षेत्र के फतेहाबाद बाईपास रोड से मादक पदार्थ के साथ दो शातिरों को गिरफ्तार किया है। इन शातिरों के पास से चरस और हीरोइन बरामद की गई है। पकड़े गए माल की कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है। दरअसल मुखबिर खास की सूचना पर एसओजी टीम और शमशाबाद पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। शमशाबाद एसओजी और सर्विलांस टीम के संयुक्त ऑपरेशन में जब फतेहाबाद रोड बाईपास के पास चेकिंग की जा रही थी, तभी एक बाइक पे दो व्यक्ति तेजी से आते हुए दिखे। जब उनको रोका गया तो उन्होंने भागने का प्रयास किया। पुलिस बल और संयुक्त टीम के बाकी सदस्यों द्वारा न्यूनतम बल का प्रयोग करते हुए उनको पकड़ा गया। जिनको पकड़ा गया उनके नाम है जयवीर सिंह पुत्र विनोद कुमार निवासी जलेसर खंदौली और दूसरा व्यक्ति सुधीर कुमार पुत्र हरि सिंह नगला हरसुख खंदौली। इन दोनों के पास से कुल 824 ग्राम अफीम और हीरोइन मिली है, जिसकी अनुमानित कीमत कुल 10 लाख रुपए बताई जा रही है। इन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार करके NDPS एक्ट की समुचित धाराओं के अंतर्गत इनका चालान किया गया है। डीजी महाराजा न्यूज के लिए राशिद हुसैन की रिपोर्ट।